प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने। भाई ये कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 3341 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 891। तो हमसे कह रहा है द नंबर्स आर, तो फिर वो नंबर्स बताओ वे क्या होंगे। देखो भाई, अभी जो क्वेश्चन है, अब आप सोचोगे सर वो सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई हमारे सामने नंबर दे रखे, तीन ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी है, हम एक एक ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। भाई 25 का स्क्वायर लेंगे, 46 का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करके देखेंगे ये आना चाहिए। ये तो करोगे भाई, भाई उनको ऐड करोगे तो यह आ जाएगा, और उनको जब माइनस करोगे तो यह आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ये नहीं हुआ तो फिर सर ये हो जाएगा, और ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और जब ये भी नहीं होगा तो फिर नन ऑफ जीरो हो जाएगा। अब आप क्या मुझे बताइए कि इनका स्क्वायर निकालने में अगर आपको याद है तो चलो अलग बात है, अगर आपको याद नहीं है तो इनको निकालने में टाइम नहीं लगेगा? डेफिनेटली टाइम लगेगा। अगर आपको याद है तो आप सीधे कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है मेरी तरह, जैसे कि मुझे भी याद नहीं है इन सभी के स्क्वायर्स, तो फिर मैं निकालूंगा सर मेथड से। अब मेथड क्या है, उसने बोला है दो नंबर है सर, तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है सर वाई। अब इन दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमें मिलता है 3341, और दूसरा है हमारा उनका डिफरेंस। जब उनका स्क्वायर करके डिफरेंस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं, तो वो मिलता है हमें 891। हमारे सामने सर दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए। मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 कर रहा हूँ। जैसे मैं 1 प्लस 2 करूँगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के हैं, दोनों अपोजिट साइन है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2x² इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करके जो भी आएगा 2, 3 और 1, 8, 4, 12, 2, हाँ से लगा एक बार, ये 4, इस तरीके से आएगा। और 2 से कटेगा कितने टाइम्स, 2, 2 ज़ा 4, 2, 1 ज़ा 2, 2, 1 ज़ा 2, 2, 6, ये आपका x² इज इक्वल्स टू 2, 1, 1, 6, x² की वैल्यू आ गई। अब इस x² की वैल्यू को इनमें से किसी वैल्यू में डाल दो, आपको y की मिल जाएगी। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी, ये आपका आएगी कितना, 1225, माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू, अब आपको भाई ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, वैसे देखा जाए तो आसानी से मिल जाएगी। आपको पता है कि भाई 25 का तो नहीं होता ये स्क्वायर, तो 25 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब ये हो सकता है फिर ये हो सकता है। अब ये 35 का स्क्वायर है क्या, ये चेक कर लो, और ये इसका स्क्वायर है क्या, ये चेक कर लो, इन दोनों का स्क्वायर निकाल देखो, ये आ जाएगा सिंपल सिंपल। और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आपका भैया ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा समय लगेगा कम, ठीक है। और मुझे पता है कि 35 का स्क्वायर आपका 1225 होता है, ये तो मुझे पता ही है, मैंने 46 का भी निकाल देख लेते हैं। 46 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल लगे 3, और 6 चौक 24 दूनी 48, और 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 6 4 चौक 16, 16 और 5 21, 2116 आपका इसका स्क्वायर है, तो मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो हम मेथड से कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी आपको पता ही है, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो या फिर माइनस करो, सेम आना चाहिए, आया तो आंसर, नहीं तो नहीं। चलिए मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बता सकते हो अपना प्यार या जो भी है सब दिखा सकते हो। उसके अलावा आप अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ठीक है। और सभी दोस्तों से शेयर कर सकते हो अपने जितने भी हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।